नमस्कार, आज हम आपको बताने जा रहे हैं मंगलवार व्रत कथा। मंगल के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए और मंगल को बलि बनाने के लिए मंगलवार का व्रत करना बेहद फलदायक है। इस व्रत को करने से ऋण का निवारण एवं आर्थिक समस्या का समाधान होता है। यह व्रत संतति सौख्य प्रदायक एवं आत्म शक्ति तत्व का सूचक भी है। इस व्रत को नियमित तरीके से पूर्ण श्रद्धा के साथ करना चाहिए। मंगलवार व्रत विधि। मंगलवार का व्रत किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से प्रारंभ करें और 21 या 45 मंगलवार तक इसे करें। मंगलवार के दिन प्रातः स्नान करके हनुमान जी के मंदिर में जाकर दर्शन और तेल का दीपक करें तथा लाल पुष्प की माला और श्रीफल अर्पण करें। भोजन में गेहूं के आटे, गुड़ और घी से हलवा बनाकर भोजन से पूर्व हलवे का कुछ भाग बैल पशु को देकर भोजन करें। भोजन में प्रथम 7 ग्रास हलवा ग्रहण करें, फिर अन्य पदार्थ ग्रहण करें। भोजन में नमक का प्रयोग न करें। अंतिम मंगलवार को हवन क्रिया के पश्चात बालक विद्यार्थी को मोदक लड्डू या हलवा सहित भोजन कराकर दक्षिणा स्वरूप लाल वस्त्र, ताम्रपत्र, गुड़, नारियल आदि प्रदान करें। व्रत के दिन जल, सभी प्रकार के फल, दूध तथा दूध से बने पदार्थ या औषध सेवन करने से व्रत भंग नहीं होता। व्रत के दिन एक बार भी पान खाने से, दिन के समय सोने से, स्त्री रति प्रसंग आदि से व्रत नष्ट हो जाता है। आइए अब मंगलवार की व्रत कथा सुनाते हैं। एक निसंतान ब्राह्मण दंपति काफी दुखी थे। ब्राह्मण वन में पूजा करने गया और हनुमान जी से पुत्र की कामना करने लगा। घर पर उनकी स्त्री भी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना भोजन बना पाई और ना ही भोग लगा सकी। तब उसने प्रण किया कि अगले मंगल को ही भोग लगाकर अन्न ग्रहण करेगी। भूखे प्यासे 6 दिन के बाद वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर अति प्रसन्न हुए। उन्हें दर्शन देकर कहा कि वे बहुत प्रसन्न हैं और उसे बालक का वरदान देते हैं जो कि उसकी सेवा करेगा। ब्राह्मणी इससे अति प्रसन्न हुई और उस बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख पूछा कि वह कौन है। पत्नी ने सारी कथा बताई। पत्नी की बातों को छल पूर्ण जान ब्राह्मण ने सोचा कि उसकी पत्नी व्यभिचारिणी है और उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया है। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया और घर पर पत्नी के पूछने पर ब्राह्मण घबराया। पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में सब कथा बताई तो ब्राह्मण अति हर्षित हुआ और फिर दंपति मंगल का व्रत रखकर आनंद सहित जीवन बिताने लगे। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के और भी वीडियोज और व्रत कथाएं हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।